29 अगस्त की शुरुआत से कुछ लगाते हैं। परमात्मा पिता कहते हैं कि समय के महत्व को जान, फास्ट सो फर्स्ट आने वाले तीव्र गति से पुरुषार्थी भवा। अव्यक्त पार्ट में आई हुई आत्माओं को लास्ट सो फास्ट। अव्यक्त पार्ट मतलब जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ करके कंप्लीट कर्मातीत अवस्था, मतलब अपने पिछले जन्मों के कर्मों को भोग करके उनको मिटा करके योग की शक्ति से जितना हो सके, और इस जन्म में अच्छे कर्म करके पूरी दुनिया की सेवा के कर्म करके उन्होंने अपना जो भाग्य बनाया, उसके बाद में अव्यक्त हो गए, वो अपने फरिश्ते शरीर के साथ में सूक्ष्म वतन में चले गए, और वहाँ से संकल्प शक्ति के द्वारा वो सारी आत्माओं की पालना कर रहे हैं जो जो ब्राह्मण बनते जा रहे हैं। तो उसको कहते हैं अव्यक्त पार्ट में आई हुई आत्माओं को लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट आने का वरदान प्राप्त है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा की गाइडेंस हेल्प सपोर्ट है। तो समय के महत्व को जान, मिले हुए वरदान को स्वरूप में लाओ, यह अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है। इसलिए जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो, क्योंकि पालना किससे मिल रही है? बाप और दादा दोनों से। बाप दादा और निमित्त आत्माओं की सर्व के प्रति सदा आगे उड़ने की दुआएं होने के कारण बाप दादा हो गए ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, और निमित्त आत्माएं जो भी होगी, सेंटर की दीदियाँ हो गई या बड़े भाई बहन हो गए या दादियाँ हो गई, उनकी सर्व के प्रति सदा आगे उड़ने की दुआएं होने के कारण तीव्र गति के पुरुषार्थ का भाग्य सहज मिला हुआ है। सपोर्ट इतना ज़्यादा मिला हुआ है कि आप सोच नहीं सकते कि परमात्मा कितने तरीकों से और कितने जरियों से आपकी मदद करने को तैयार हैं। हमें बस उनकी हाँ में हाँ मिला करके आगे बढ़ना है। हम शांति।